नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। दुनिया के 205 देशों में पीएम मोदी सबसे ज्यादा चर्चित शख्स बन गए हैं। उन्होंने अपने दूरगामी फैसलों से जहां दुनिया को प्रभावित किया है, वहीं भारत की ताकत से भी परिचित कराया है। यही वजह है कि आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, जबकि भारत की बराबरी करने की होड़ में अपने तहमतों को गिरवी रख चुका पाकिस्तान अभी भी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। खासतौर से मोदी की दिन प्रतिदिन बढ़ती लोकप्रियता ने इमरान खान की नींद उड़ा दी है। कभी ट्रंप द्वारा दोस्त कह देने भर से सलवार कुर्ता निकालकर गधैया नृत्य करने वाला यह लोंडा अब मूछ पाने के लिए तहमत ढूंढ रहा है। हालत यह है कि पाक आर्मी और उसकी खुफिया एजेंसी भारत के बढ़ते कद से परेशान होकर सोशल साइट को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान ऐसा करके दो दांव एक साथ चल रहा है। इसमें भारत के दूसरे देशों से रिश्तों में खटास लाना तो है ही, पीएम मोदी की लोकप्रियता को भी कम करना है। पाकिस्तान ने ऐसी ही एक गिरी हुई हरकत ओमान की राजकुमारी के नाम से ट्विटर अकाउंट बनाकर की थी। इस फर्जी अकाउंट के द्वारा पाकिस्तान से भारत को लेकर अनगल ट्वीट किए गए, मगर उसका यह भांडा तब फूटा जब ओमान की राजकुमारी के ऑफिशियल अकाउंट से सारा पर्दाफाश हो गया। राजकुमारी मोना बिंत फैद अल सैद ने इसे भारत से ओमान के संबंध बिगाड़ने वाला बताया है। इस वक्त भारत ओमान को खाद्य सामग्री के अलावा दवाइयां, मेडिकल उपकरण और डॉक्टर व नर्सों की टीम भेजने वाला है। इसकी गुहार खुद ओमान ने लगाई थी। ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक अल सैद ने भी सख्त बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी तत्व भारत और ओमान के बीच इस तरह के जहर घोल रहा है, वह किसी भी रूप में क्षमा योग्य नहीं है। पर मामला यहां तक नहीं है। दुनिया में कोरोना वायरस महामारी के बीच भी भारत के पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ शिखर पर पहुंच गया है। पड़ोसी मुल्ला जमात को यही चिंता खाए जा रही है। दरअसल पीएम मोदी ने पिछले दो महीनों में जितनी त्वरित गति से निर्णय लिए और दुनिया में भारत की छवि को मजबूत किया, उससे पाकिस्तान कसमसा कर रह गया है। सार्क के नेताओं की बैठक से लेकर G20 की बैठक तक मोदी ही छाए रहे। उसके बाद हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एक ऐसा टर्निंग पॉइंट भारत को मिल गया जिसने दुनिया में भारत की वाई वाई करा दी। इसके अतिरिक्त पीएम मोदी ने दुनिया के तमाम नेताओं को फोन करके उन्हें भारत की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इसके बाद तो ब्रिटेन, ब्राजील, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल जैसे देश भारत का गुणगान करते नजर आए। रही सही कसर खाड़ी देशों द्वारा भारत से मांगी गई मदद ने पूरी कर दी। जहां भारत ने खाद्य सामग्री डॉक्टर नर्सों की टीमें भेजकर रिश्तों की नई पटकथा लिख डाली, जबकि इन हालातों में पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी देश बनकर सामने आया। पाक पीएम खाड़ी देशों के साथ चीन और पश्चिमी देशों के आगे भीख के लिए गिड़गिड़ाते रहे, या यूं कहे कि आज भी गिड़गिड़ा रहे हैं। इमरान खान ने पिछले दो महीनों में केवल डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति जिनपिंग को ही फोन किया, जबकि पीएम मोदी 180 से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्षों को कई बार फोन कर चुके हैं। पाकिस्तान के बदतर हालातों ने भी उसकी स्थिति से दुनिया को अवगत कराया है। यहां जिस प्रकार पाक सेना ने इमरान के फैसलों को पलटा, उसने भी पाक पीएम की छवि को कमजोर किया। केवल इतना ही नहीं, इमरान खान अपने आवाम पर भी ज्यादा असर नहीं छोड़ पाए। लोग उनके इशारों पर गधैया नृत्य करने को तैयार नहीं हुए, जबकि मदरसों में होने वाली बकरी कुदान अब सड़कों पर आ गई है। जहां जनता रोजी रोटी के लिए मदद की गुहार लगा रही है, उधर पीएम मोदी के एक आग्रह पर पूरे भारत ने जनता कर्फ्यू और दीप प्रज्वलित करके मोदी के कद की ताकत दुनिया को प्रत्यक्ष दिखा दी। यानी पीएम नरेंद्र मोदी जैसी लोकप्रियता वाला नेता भूमंडल पर दूसरा नहीं है, जिसके एक संकेत पर 135 करोड़ हिंदुस्तानी पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। पाकिस्तान को मोदी की यही ताकत भाले बनकर चुभ रही है। अगर यही स्थिति रही तो भारत डिप्लोमेटिक रूप में दुनिया का मजबूत मुल्क बन जाएगा। तुर्की और मलेशिया जैसे मित्र देश पाकिस्तान की बजाय भारत की तरफ खिसकने लगे हैं। खाड़ी देश तो पहले ही भारत की तरफ झुकाव दिखा चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पास प्रोपेगेंडा वाला हथियार बचता है, जिसे वह सोशल मीडिया के रूप में साकार होता देखने लगा है। मगर दिक्कत यह है कि इससे पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वह भारत के खिलाफ जिस देश को मोहरा बनाएगा, उसे सच्चाई पता लगी तो उस देश की नजर में पाक की क्या अहमियत होगी। इसे हम और आप तो समझ सकते हैं, पर भारत या मोदी विरोध में धृतराष्ट्र बना पाकिस्तान नहीं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।